हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद सिसोदिया आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ सत्य गेतु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज थोड़ा शेड्यूल चेंज है, इसलिए हमारी क्लास जल्दी रखी गई है। सारी क्लासें जल्दी होगी, इसके बाद साइंस की, फिर मैथ की। ठीक है भैया, तो आप सभी आज मैं फिर आपके लिए 15 क्वेश्चनों की सीरीज लेकर आया हूँ, और आप जल्दी से जल्दी लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम प्रश्न देखते हैं, उनका सॉल्यूशन देखते हैं, और आई थिंक मेरे हिसाब से आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी। तो जल्दी से भैया आप लाइव क्लास ज्वाइन कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। चलिए बच्चों जल्दी से आ जाइए, जय हिंद बोलिए और जल्दी से क्लास को ज्वाइन कीजिए भैया। ठीक है भैया, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न क्या कहता है भैया आपके, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ। प्रश्न पहला है, इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ। ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आंसर क्या होगा। जय श्री कृष्णा नरप सिंह जी, जय श्री कृष्णा। जी भैया कमेंट कीजिए, और प्रश्न आपके सामने, ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ए 1886, 1886। क्या होगा भैया 1886, 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया था। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी भैया। किसने की थी भैया आपके, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। ठीक है भैया, इन्होंने आपके क्या किया था भाई, इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत की थी तत्पश्चात 1886 में ये इंडियन एसोसिएशन आपके कांग्रेस में विलय हो गया। ठीक है भैया, ये पहली ऐसी संस्थान है भारत की, राष्ट्रवादी संस्थान। ठीक है भैया, पहली राष्ट्रवादी संस्थान का भी पूछे तो आपको क्या ऑप्शन देना है, क्या आंसर क्लिक करना है, तो इंडियन एसोसिएशन पहली भारत की संस्थान थी राष्ट्रवादी। ये लीजिए भैया प्रश्न आप सभी के सामने, 44वें संविधान संशोधन के तहत में लोकतंत्र लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया। प्रश्न बहुत ही अच्छा है, पॉलिटी से लिया गया है, पॉलिटिकल में आपको पढ़ाया हुआ भी है कि भैया लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष किया गया। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राम राम मुकेश अंबानी, जल्दी से कमेंट कीजिए, क्लास को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए भैया। 44वां संविधान संशोधन, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन में पहले 6 वर्ष थे भैया लोकसभा का कार्यकाल, उसके बाद कितने वर्ष कर दिया आपके, 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है भैया, तो पहले 6 थे फिर 5 वर्ष किया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, जल्दी से देखिए आप। राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, प्रश्न है राज्य के निम्न सदन को क्या कहा जाता है, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या राज्यसभा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, अच्छा प्रश्न है जी भैया। सी ऑप्शन विनोद, विनोद या विनोद, जी भैया सी ऑप्शन दिया है लोकसभा। राज्य के निम्न सदन को, राज्य की, किसी राज्य की निम्न सदन का पूछा भैया, तो आप प्रश्न सही ढंग से पढ़ना। ठीक है जी, सी ऑप्शन दे रहे हैं मुकेश अंबानी, सी 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 सी। जी भैया आपके इसका ऑप्शन होगा ए विधानसभा। किसी राज्य में क्या होती है भैया, विधानसभा होती है, विधानसभा को ही निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, सॉरी,
विधानसभा को, वेरी गुड मुकेश अंबानी, ए ऑप्शन दिया आपने। विधानसभा को क्या कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। और आपके विधानसभा कहाँ कहाँ पर है भैया? विधान परिषद, विधान परिषद कहाँ कहाँ पर है? 6 राज्यों में है। कितने? 6 राज्यों में। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार और यूपी, उत्तर प्रदेश लिख दो। ठीक है भैया, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार और यूपी, यहाँ पर क्या है भैया? विधान परिषद है। 6 विधान परिषद है कहाँ पर? भारत में, ठीक है। और राज्य की निम्न सदन को विधानसभा कहा जाता है, और ये आपका उच्च सदन है। भारत की राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है, उच्च सदन, और ये भी निम्न सदन है। बिल्कुल आपका सही था, आपने ऑप्शन तो सही दिया पर आपने प्रश्न सही से नहीं पढ़ा। प्रश्न में राज्य नाम आ गया, इसकी वजह से आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था पर प्रश्न सही नहीं था आपके आपके लिए, सही से पढ़ा नहीं आपने। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखिए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान कौन होता है? प्रश्न बहुत ही अच्छा है, और इस बार अगर आने के चांसेस है तो इसी के ज़्यादा है, कारण सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह ये ज़्यादा होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के ही तत्वाधान में होती है भैया। ठीक है, तो अजीत डोभाल को आप जानते ही हो, सभी हमारे सभी भारतीय लोग अजीत डोभाल को अच्छी तरह से पहचानते हैं। ठीक है, तो उनका जो होता है ना भैया प्रधान, प्रधान कौन होता है? कमेंट कीजिए जल्दी से आप। हाँ, पहले क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा आपने मुकेश जी, सही कहा, क्वेश्चन पूरा पढ़िए आप, प्रश्न को समझना जरूरी है। ठीक है भैया, तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान होता है आपके प्रधानमंत्री, कौन होता है भैया? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है भैया, अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष है। ठीक है भैया, उनके वो सोचते हैं, फिर प्रधानमंत्री के पास जाते हैं, प्रधानमंत्री यस करते हैं, और फिर जो भी होता है सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह वो सब इनके ही कारणों से होता है। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश, विश्व का पहला देश, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है सभी लोगों को। धूम्रपान पर निषेध 2004 में पहले लगाया था आयरलैंड ने, ठीक है, उसके बाद 2005 में लगाया गया, इन चारों में से आप जल्दी से कमेंट कीजिए। 2004 में आयरलैंड ने लगाया था, वो विश्व का पहला देश बना था, पर पूर्ण रूप से धूम्रपान निषेध नहीं हो पाया, तो उसके बाद 2005 में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध। क्या भैया प्रश्न क्या है? सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कहाँ पर हुआ था भैया? 2005 में हुआ था, और वो कहाँ पर था ये देखिए, कमेंट देखते हैं। हाँ, नमस्ते के साथ ए ऑप्शन दिया था आपने जी, मोनू सिंह। अब जल्दी से आप कमेंट कीजिए भैया, कमेंट कमेंट में इतनी देरी ना करें, समय हमारे पास भी कम है, आपके पास भी कम है। ठीक है भैया, तो देखिए कौन था भाई धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला? भूटान, 2005 में लगाया था। कब लगाया था भैया? 2005 में लगाया था, इससे पहले 2004 में किसने लगाया था? आयरलैंड ने, पर पूर्ण रूप से वह धूम्रपान प्रतिबंध नहीं कर सका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, याद रखना आप, भूटान और अगर आयरलैंड दोनों आए तो आपको पहले आयरलैंड का करना होगा। ठीक है, और प्रश्न को भी जरा ध्यान से पढ़ना, प्रश्न इस तरह का आए तो आपको भूटान ही करना है, थोड़ा अलग हो लैंग्वेज तो आप आयरलैंड कर सकते हो, पर पहला देश वर्तमान में पहला देश कौन है धूम्रपान निषेध के लिए? भूटान है। अगला प्रश्न, प्रमुख संगीत प्रशिक्षण संस्थान गांधर्व है, गंधर्व नहीं है, गांधर्व महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है भैया, गांधर्व संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन आप सभी के सामने, इन सभी ऑप्शनों से आप परिचित हो तो भैया जल्दी से बताइए कि गंधर्व कहाँ पर है, कमेंट कीजिए भैया, कमेंट में देरी ना करें।
मुकेश अंबानी ने बी ऑप्शन दिया, दिल्ली। जी भैया, और कोई? जल्दी से कमेंट करते जाइए, कमेंट में देरी ना करें। मोनू सिंह ने डिलीट कर दिया। जी भैया, डी आंसर दिया है मोनू सिंह ने। देखिए भैया, आप पहले क्लास को जल्दी से शेयर कीजिए, लोगों तक तो हमारी क्लास पहुंचनी चाहिए। उसके बाद कमेंट आते रहेंगे तो हमें भी मजा आएगा पढ़ाने का और आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, दिल्ली एकदम राइट आंसर है। गांधर्व क्या है भैया? गांधर्व प्रशिक्षण संस्थान आपके दिल्ली में है भैया। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, आप अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपके प्रश्न नंबर 7। जी भैया, पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया? प्रश्न बहुत अच्छा है। प्रश्न क्या है? पहला यूआईडी कार्ड, यूआईडी का मतलब यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूनिक आइडेंटिटी नंबर है, जो आपके आधार कार्ड है। आधार कार्ड को यूआईडी कार्ड भी कहा जाता है। और यूआईडी कार्ड सर्वप्रथम कहाँ जारी किया गया? आप पहले राज्य को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसका जिला बताऊंगा और फिर उसका गांव भी बताऊंगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। जी भैया, साथ में आप सत्यकेतु के ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको मिल गया है। ठीक है भैया, ऐप डाउनलोड होगा तो आप टेस्ट दे पाएंगे तो उसका सॉल्यूशन आराम से ले पाएंगे। हर नोटिफिकेशन वहाँ पर मिलता है, टेलीग्राम पर भी मिलता है। जी भैया, ऑप्शन ए दिया है, किसी ने डी दिया है। याद रखना भैया, प्रश्न बहुत ही अच्छा है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, महाराष्ट्र। कौन सा भैया? महाराष्ट्र करेक्ट होगा। और गांव बता देता हूँ आपको, किस गांव में? टेम्बुली नामक गांव था। जिला किसी को याद? कमेंट कीजिए भैया, किसी को जिला याद हो तो। ऐप में ऑनलाइन क्लास है क्या? हाँ भैया, ऑनलाइन क्लास भी है ऐप में, राजस्थान के नागौर में। नागौर कहाँ से? नहीं, भैया नागौर में। प्रश्न क्या है? आधार कार्ड सबसे पहले किसका बना था, ये प्रश्न है। ठीक है भैया, जिला नंदूरबाग। जिला कौन सा था भैया आपके? नंदूर बाग जिला, यानी टेम्पुली गांव में जिला था नंदूर बाग, राज्य था महाराष्ट्र। वहां के निवासी को सर्वप्रथम 2010 में क्या दिया गया था भैया? आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड कौन सा? यूनिक आइडेंटिटी नंबर वाला, जो आपके आधार कार्ड होता है, यूआईडी 2010। ये लीजिए भैया, अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते जाइए, आपका लेवल थोड़ा बढ़ेगा और पेपर हार्ड भी आ सकता है। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, आप सभी समझ रहे हो, पेपर का लेवल और ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी पढ़ना जरूरी है। अब बच्चों वाले क्वेश्चन भी मत पढ़ा करो। ठीक है भैया, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान स्थित है, सबसे फेमस है। ठीक है भैया, तो कहाँ पर? पर्वतों से कोई भी सवाल आएगा तो हमारे लगभग उत्तरी भारत में हम चले जाएंगे। उत्तरी भारत में आपके उत्तराखंड जो है वो एकदम करेक्ट है। उत्तराखंड में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है भैया। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखिए। जी भैया, क्या लिखा है आपने? नृप सिंह ने ए दिया, दिल्ली में नहीं है। ठीक है भैया, निःशुल्क टेस्ट सीरीज के लिए आप ऐप डाउनलोड कीजिए। निःशुल्क कोर्स के लिए, ऑनलाइन कोर्स के लिए ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है भैया, आपको हर तरह की जानकारी ऐप पर भी मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर भी मिलेगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, टेस्ट दीजिए, अपना एनालिसिस करिए।
और उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन लीजिए, कपिल धारा जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है भैया? कपिल धारा जलप्रपात का संबंध किस राज्य से, कमेंट कर दीजिए। बस सिर्फ 5 सेकंड का समय आपके पास। कपिल धारा जलप्रपात कमेंट करते रहिए। ए दिया है नरपसिंह ने। अच्छा पहले कहा है जी भैया, नहीं पता। कपिल धारा जलप्रपात, जलप्रपात वाले आपको आने चाहिए सवाल, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से 6-7 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है भैया? कपिल धारा जलप्रपात है जो एक ऊंची पहाड़ी से नर्मदा नीचे गिरती है। ठीक है भैया, तो लिखिए मध्य प्रदेश में अमरकंटक से 6-7 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी पर स्थित है, कौन सा है भैया स्थित है, वो भी लिख देता हूँ। स्थित है, ठीक है भैया, समझ गए। नर्मदा नदी पर स्थित है मध्य प्रदेश में कपिल धारा नाम से जलप्रपात है, वो आपके नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, याद कर लेना अच्छी तरह से। दिरहम कहाँ की मुद्रा है, जल्दी से कमेंट कीजिए। दिरहम नहीं पढ़ा होगा आपने, जी भैया अब जरा कमेंट कीजिए आप जल्दी से। जय हिंद भैया संजय, जय द्वारकाधीश, जय हिंद धर्मेंद्र सिसोदिया एमपी, आपने सही उत्तर दिया था धर्मेंद्र जी, ठीक है। इसका ए दुबई, हाँ वेरी गुड। मैंने ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया, एक ऑप्शन चेंज किया, दुबई की जगह मैंने यूएई लिख दिया। आप जरा आप कमेंट कीजिए, मुकेश अंबानी का फिर भी क्या है, ए है, ठीक है भैया। तो दिरहम कहाँ की मुद्रा है आपके यूएई की, कहाँ की है भैया? यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात की है आपके दिरहम नाम से मुद्रा। चलिए भैया अगला प्रश्न देखते हैं, ये लीजिए। गोल्ड पर्वत कहाँ स्थित है, गोल्ड माउंट, इसे आप गोल्ड माउंट पढ़ना, गोल्ड पर्वत आप पढ़ोगे तो गोल्ड पर्वत भारत में भी है, पर गोल्ड माउंट आप पढ़ना, गोल्ड माउंट कहाँ पर स्थित है, गोल्ड माउंट आपके अमेरिका में स्थित है, ठीक है भैया। उत्तर क्या होगा, उत्तर ऑप्शन बी आपका जो है एकदम करेक्ट होगा, अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में है गोल्ड पर्वत, ठीक है भैया। अगला प्रश्न आप जल्दी से देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा, ये लीजिए भैया। संसद भवन बनकर कब तैयार हुआ, ये तो इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी कमेंट कीजिए। आपको अब 1 मिनट का समय दूंगा, 1 मिनट में जितने भी लोग हो आप सभी कमेंट कीजिए, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हो कमेंट कीजिए, उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। जी भैया कमेंट कीजिए। जय हिंद जसो सिंह जी, आज लेट आए आप, अब जल्दी से कमेंट कीजिए। ऑप्शन आपके सामने, प्रश्न आपके सामने, मैं भी आपके सामने और कमेंट बॉक्स आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अरे तुक्का तो मारो, सही नहीं हो तो कोई बात नहीं, तुक्का तो लगाओ, जरूरी नहीं है कि सभी का सही होता है। हाँ भैया 1926 दिया है, बी ऑप्शन दिया है किसने भैया, आपके सौरभ कुमार ने, मुकेश ने ए दिया है यानी 1927। जी भैया आगे और कोई, जय हिंद सौरभ कुमार, जय हिंद। जी भैया जल्दी से कमेंट करते जाइए, कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो होगा पर सही भी तो हम भी करवाएंगे, हम ही करवाएंगे, ठीक है भैया कमेंट कीजिए आप जल्दी से।
भैया कमेंट देखते हैं। तुक्का दोस्त 1926 लगाया है। जय हिंद सौरभ कुमार। सी जो होगा देखा जाएगा। सी वेरी गुड जसोर सिंह भाटी। और धर्मेंद्र सिसोदिया 1928। अब मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताता हूँ। संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था भाई आपके 1927 में। रट लीजिए, याद कर लीजिए, ऐसा प्रश्न तो आएगा 100% ऐसा आएगा, आपके भी दिमाग में थोड़ा घूमता होगा। संसद भवन के बारे में पूछ सकते हैं पॉलिटिकल में, इतना इससे इजी क्या होगा। संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ 1927 में। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन के ऊपर ये रहा, लीजिए भैया। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ पर है? चर्च है ये चर्च, बेसिलिका ऑफ जीसस चर्च है भैया, ये कहाँ पर है? भारत में चर्च सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? इससे ज़्यादा हिंट मैं आपको क्या दूँ, जो अंग्रेजों के या जो पुर्तगालियों के अंडर में था तो वहाँ पर भी, उस राज्य में भी चर्च तो होंगे ही। ठीक है भैया, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, कर दो कर दो कर दो भैया, जो भी है ए बी सी डी चारों में से एक पर दबा दो। वेरी गुड, धर्मेंद्र सिसोदिया ने डी दे दिया है। हाँ मुकेश अंबानी का तुक्का सही होगा। मुकेश अंबानी ऐसे कैसे तुक्के मार रहे हो आप, गजब तुक्के मारते हो। ठीक है भैया, तुक्को तुक्को हम इतने अमीर आदमी बन गए जी भैया। डी 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 गोवा गोवा गोवा। वेरी गुड जसोर सिंह भाटी, संजय सौरभ, धर्मेंद्र, मुकेश अंबानी और अपने जी भैया। तो गोवा आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, डी आंसर जो है वो एकदम आपका करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, अगला प्रश्न देखिए। गोवा में ही आपके बेसिलिका ऑफ जीसस, ठीक है, इस नाम से एक चर्च बना हुआ है, फेमस चर्च है। आवर्त सारणी, ये भी अच्छा प्रश्न है। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है भैया? जी भैया प्रश्न आपके सामने, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है जी भैया बताइए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, कौन सा है उनमें से, पहला कौन सा है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए जी भैया। ए आंसर आ गया है सौरभ कुमार का, प्रवीण जाट का ए, संजय का एच हाइड्रोजन, जसोल सिंह भाटी हाइड्रोजन, मुकेश अंबानी ए, विनोद ए, धर्मेंद्र सिसोदिया एच हाइड्रोजन और सौरभ कुमार एच टू, संजय का नेत और हाइड्रोजन, धर्मेंद्र का हाइड्रोजन जी भैया। 40 तक पता है, ठीक है 40वां बताइए कौन सा, जसोल सिंह भाटी 40वां आप कमेंट करना मुझे, या ऐसा करो जिंक, जिंक कौन से नंबर पर आता है वो कमेंट कर दीजिए मुझे, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिंक आवर्त सारणी में कौन से स्थान पर आता है उसका कमेंट करना आप मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। तो इतना आप याद रखें लगभग, तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका, ये लीजिए भैया। ओ शिट, अगला प्रश्न, सबसे लास्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है भैया? द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया लेखक के पुस्तक मेघनाथ देसाई, मधुसूदन भाटी, अनिल परिहार या निरंजन आर्या। जल्दी से आप कमेंट कीजिए भैया, क्या होगा आंसर, क्या होगा इसका, कमेंट कीजिए। इसका आंसर किसी को पता हो तो, बहुत इजी क्वेश्चन है, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक। ठीक है भैया, और इसी तरह के आप कुछ जिन प्रश्नों का अर्थ निकले ऐसे प्रश्नों का आप जरूर पढ़ें, ऐसी किताबें ऐसी पुस्तकें आप जरूर याद रखें। उसी तरह के पूछे जाएंगे सवाल जिनका अर्थ हो या जिनको, जिन किसी पुस्तकों को पुरस्कार प्रदान हुआ हो, अपने क्या नाम है, लेखक को पुरस्कार प्रदान हुआ हो, ऐसी पुस्तकों का आप पढ़ना जरूर याद रखें। तो देसाई देसाई ए आंसर, धर्मेंद्र का ए आया है, सौरभ कुमार का ए आया है, मुकेश अंबानी ने ए दिया है, संजय ने, जसोल सिंह भाटी, विकास यादव जी भैया। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, मेघनाथ देसाई, ठीक है, मधुसूदन भाटी थे नहीं, अनिल परिहार थे नहीं और निरंजना आर्य, राजस्थान के मुख्य सचिव है वो भैया अभी।
ठीक है भैया, तो उनका नाम ऐसे ही लिख दिया गया। तो आप देखिए, द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे भैया? मेघनाथ देसाई। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता हुआ, कल पुनः इसी समय आप सभी से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे छुट्टी प्रदान करें, धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे, हमारे लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल गया, ठीक है भैया। हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, सत्यकेतु की एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करें, उस पर टेस्ट दे, उसका सॉल्यूशन ऑनलाइन क्लास में ले। ऑनलाइन क्लास मेरी सुबह 10:30 से 11 बजे तक रहती है, ठीक है भैया। आगे आपके पास शेड्यूल पूरा टेलीग्राम पर दिया हुआ है, आप देख लेना टेलीग्राम पर, ठीक है भैया। अगला इसके बाद जो भी क्लास है वो है साइंस की, तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि जितना हो सके जल्दी से जल्दी इस क्लास को शेयर करना, साइंस वाली क्लास को शेयर करना, मैथ वाली को शेयर करना। बच्चों का क्या होना चाहिए भैया, मदद होनी चाहिए, बच्चों को भी समझ में आना चाहिए, ठीक है भैया। हम मेहनत करें, धन्यवाद, जय हिंद, कल मिलते हैं फिर।